जनसेवा केंद्र संचालक के कर्मचारी के साथ एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें 7,46,000 रुपए की लूट की गई थी। इस घटना के लिए एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ लालगंज, सीओ सिटी और एएसपी अंडर ट्रेनिंग के साथ में 3 टीमें गठित की गई थी। पिछले एक सप्ताह के दौरान इन तीनों टीमों द्वारा लगातार कार्य करते हुए लगभग 70 किलोमीटर के रोड एरिया पर सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें 109 सीसीटीवी फुटेज का डेटा हमारे पास इकट्ठा हुआ। इस डेटा को सर्विलांस टीम के साथ काम करते हुए डेवलप किया गया, जिसमें हम लोगों को महत्वपूर्ण सुराग मिले। 19 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। तीनों टीमों के द्वारा लगातार कार्य करते हुए कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 6 अपराधी कल रात्रि में गिरफ्तार किए गए और एक शातिर अपराधी जो आज सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है, दाहिने पैर में उसके गोली लगी है, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। इन टोटल 7 अपराधियों से जो लूटा गया धनराशि थी लगभग 7,46,000, उसमें से 7,01,000 की धनराशि के बराबर टोटल मूल्य की वस्तुएं बरामद कर ली गई है, जिसमें से 6,95,000 कैश है और 6,000 रुपये जो इन्होंने इस्तेमाल किया था खरीदने के लिए, उसको बरामद किया गया है। इस घटना की पटकथा पीड़ित के बचपन के साथी, जिसका नाम हरिवंश गोपाल है, जो आप लोगों के सामने है, इसके द्वारा ये पूरी पटकथा लिखी गई। हरिवंश गोपाल, इसके साथ मानवेंद्र चौबे और अनाम यादव, इन 3 लोगों के द्वारा मुखबिरी इसकी की गई। घटना कारित करने के लिए इनके द्वारा यहाँ इस जनपद के हिस्ट्री शीटर अपराधी, जो थाना जैनपुर का हिस्ट्री शीटर है मैकू यादव, उससे संपर्क स्थापित किया गया। मैकू यादव ने अपने साथी ब्रजेश यादव के साथ मिलकर नीले रंग की अपाचे बाइक से ये घटना कारित की। रामचंद्र उर्फ मैकू यादव, ये थाना जैनपुर का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। ये जनपद मऊ से गैंगस्टर एक्ट में वांछित भी था और 50,000 का पुरस्कार इसके ऊपर आईजी रेंज सर आजमगढ़ के द्वारा घोषित था। आज सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान 6:45 लगभग थाना रानी की सराय की टीम के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली भी लगी है और इसके पास से लूटे गए लगभग 2.25 लाख रुपये, घटना में प्रयुक्त बाइक, अवैध असलाह और कारतूस बरामद किए गए हैं। टोटल 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों से विस्तृत रूप से पूछताछ की गई है। इनके साथियों के बारे में और भी पूछताछ अभी जारी है। अपराधी मैकू यादव के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि ये अपने और अपने साथियों की जमानत के लिए भी फर्जी जमानतदार का प्रयोग करता है, तो इसके पूर्व में जितने जमानतदार रहे हैं उनका भी डिटेल निकाला जा रहा है, उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी बात प्रकाश में आई है कि 3 अपराधी जो जेल में हैं उनकी जमानत के लिए भी ये प्रयासरत था और उसमें भी इस धनराशि का उपयोग, जो लूटी गई धनराशि है इसका प्रयोग किया जाना था। जो 3 अपराधी जेल में हैं उनको भी इस अभियोग में मुलजिम बनाया गया है और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनको भी प्रकाश में लाया जाएगा। वर्तमान में 7 व्यक्तियों को इसमें अभी वांछित किया गया है। इस पूरे घटना 2 लोगों के द्वारा कारित की गई, मैकू यादव, ब्रजेश यादव, 3 लोगों के द्वारा इस घटना की मुखबिरी की गई। इसके अलावा बाकी लोग, जितने लोग इसमें साजिश में शामिल थे और घटना करने के बाद जिनके द्वारा इन अपराधियों को शरण दी गई, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक वीरेंद्र यादव, जो प्रधान प्रतिनिधि अपने आप को बताता है, जनपद बलिया का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। मैं इसमें खास करके आईजी रेंज आजमगढ़ सर, जिनके द्वारा हम लोगों को लगातार मार्गदर्शन दिया गया, और एसपी मऊ और उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो ये मऊ से वांछित था और उनके द्वारा भी बहुत महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों के साथ शेयर किए गए और ये अंतर जनपदीय कोऑर्डिनेशन के माध्यम से इस पूरे गैंग को वर्कआउट किया गया है। बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करते हुए बहुत कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी और इस केस में हम लोग एक पूरा वृत्त अभियान चलाते हुए कि कौन कौन लोग हैं जो इनकी जमानत कराने में सहयोग करते हैं, कौन लोग हैं जो इनको गाँव में समर्थन देते हैं, कौन लोग हैं जो इनको घटना करने के बाद शरण देने में मदद करते हैं, इन सब लोगों को गैंगस्टर का अभियुक्त बनाते हुए और आगे की कार्रवाई इंश्योर करेंगे।